बिहार स्पेशल 50 जीके का संग्रह लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। इस वीडियो का पार्ट टू आप लोग को दिया जा रहा है, तो पार्ट वन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और 50 टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ है, तो चलिए पार्ट टू लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। देखिए पहला क्वेश्चन, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? उत्तर होगा नेपाल देश है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी क्षेत्र में कौन स्थित है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा में लगी हुई है? कौन सा राज्य जो है दक्षिणी सीमा की ओर लगी हुई है? उत्तर होगा झारखंड राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? देखिए इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी है, उत्तर होगा पटना। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा श्री केसी शाह, श्री केसी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? उत्तर होगा 1934 ईस्वी में। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर होगा जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए महात्मा गांधी सेतु जो है वो बिहार राज्य के पटना में स्थित है, वह पटना से वैशाली को जोड़ता है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितना है? उत्तर होगा 5.575 किलोमीटर। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तिलका मांझी जिसको TNB कहा जाता है वह भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1962 ईस्वी में। देखिए कोमेश्वर सिंह जो हुआ था दरभंगा में 61 में हुआ था, और मगध विश्वविद्यालय जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा पूसा समस्तीपुर, और इसका स्थापना जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय ओपन कहाँ पर स्थित है? बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा पटना में, पटना में स्थित है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर होगा गंगा नदी पर, गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम का किताब मशहूर गायक राजा शाह ने लिखी थी। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है? गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कैमूर की पहाड़ियों में गुप्तेश्वर मंदिर स्थापित है। बिहार संगीत नाटक अकेडमी द्वारा
किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है? भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है? उत्तर होगा वर्ष 1999 ईस्वी को। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर होगा बिहार। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? उत्तर होगा बिहार। और बिहार राज्य का सबसे बड़ा देश का पशु मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है, जगह है तो उत्तर होगा सोनपुर में। देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्ला खान बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? बिस्मिल्ला खान बिहार के किस जिले के निवासी हैं? उत्तर होगा बक्सर जिला के। बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी? बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी? उत्तर होगा राजगृह में। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा महागोविंद ने। महागोविंद ने मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल शुरू कब की गई थी? बिहार में रेल शुरू कब की गई थी? उत्तर होगा 1860-62 ईस्वी में। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? उत्तर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की पहली रेलवे ईस्ट इंडिया रेलवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं? उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा 8। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? उत्तर होगा रक्सौल। रक्सौल नेपाल जाने के लिए प्रयोग होता है। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब स्थित है? बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब स्थित है? उत्तर होगा पटना। बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो इसका उत्तर होगा मैथिली भाषा। बिहार के किस शहर में देश का दूसरी महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? उत्तर होगा पटना। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? उत्तर होगा अजात शत्रु। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? उत्तर होगा 1751 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? उत्तर होगा नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। और प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा मगध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। और शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा फरीद खान। शेरशाह का वास्तविक नाम या बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिहार में शेरशाह का मकबरा
कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा सासाराम में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? उत्तर होगा बरौनी में। बिहार में सिगरेट बनाने वाली कारखाना कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा दिलवारपुर में। कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है? उत्तर होगा बरौनी में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? उत्तर होगा कन्यादान। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं या बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? उत्तर होगा विद्यापति। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।